हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे और आप इस टाइम पर देख रहे हैं तरंग न्यूज को। और मैं इस टाइम पर खड़ा हूँ शासकीय हाई स्कूल पडरा नवीन, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। टाइम हो चुके हैं, इस टाइम पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 10:27, यानी 3 मिनट बचे हुए हैं 10:30 होने को। और 10:30 बजे से सभी जो शासकीय विद्यालय होती है वो शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं अभी इस टाइम पर, और कुछ महानुभाव जो हैं, अभिभावक हैं, हमारे नज़रों में दिखाई दे रहा है कि वो बाइक से अपने बच्चों को छोड़ने आए हैं। और देख पा रहे होंगे कि बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं। विद्यालय का गेट जो है वो खुल चुका है, बाहर का भी अंदर का भी। विद्यालय की साफ सफाई में जो है आप देख रहे हैं, जो महिला हैं आप, उनके द्वारा विद्यालय की सफाई हो रही, टाट पट्टी और सफाई आप कर रही हैं। अब यहाँ के जो बच्चे हैं ऐसे मुझे देख रहे हैं कि जैसे कोई हम यहाँ पर कलेक्टर या जांच पड़ताल के लिए आ गए हों। देखिए कैसे बेचारे सब देख रहे हैं इनको, देखिए किसी को भी देख रहे होंगे, सब कैसे देख रहे हैं। एक बच्चे से बात करेंगे, इधर आना, आना इधर आना। क्या नाम है आपका? अनिश साकेत। हाँ, अनिश साकेत। कितने बजे से विद्यालय है आपकी? 9 बजे। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। 9 बजे मतलब आप खेलने के लिए आ जाते हैं? 9 बजे खुल जाती है, 12 बजे लगती है। कितने बजे यहाँ पर विद्यालय शुरू होती है? यहाँ वाले 9:30 पर आते हैं। आप 9:30 बजे आ जाते हैं। और विद्यालय कब शुरू होती है? विद्यालय होती है 11 बजे। 11 बजे, 11 बजे से कितने बजे तक? 11 बजे से 3:30। 3:30 तक, 3:30 तक सब चले जाते हैं। बीच में छुट्टी जो होती है हाफ टाइम, वो कितने मिनट की होती होगी? लगभग लगभग आधा घंटा। आधा घंटा है ना। अच्छा, कितने बजे होती है? 1 बजे से होती है 1:30 तक। अच्छा, यहाँ देख पा रहे होंगे सभी ने घेर रखा है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं सभी, और बड़े सुंदर सुंदर बच्चे यहाँ पे, बच्चियाँ सभी दिखाई दे रही हैं। अब बहरहाल जो आप लोगों को बता दूं कि अब करेक्ट 10:30 बज चुके हैं, मेरी घड़ी में तो 10:30 बज चुके हैं, लेकिन मास्टरों की घड़ी में, जो यहाँ के जो टीचर हैं उनकी घड़ी में अभी नहीं बजे होंगे। वो जब बजेंगे तो शायद तभी वो आएंगे। लेकिन टाइम दिखाना चाहूँगा आपको, कैमरामैन को कहूँगा कि पास से दिखाएँ। अब टाइम आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइम पर करेक्ट 10:30 हो चुके हैं। 10:30 एक तरफ विद्यालय, दूसरी तरफ बच्चे, लेकिन टीचरों का कुछ ठिकाना ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि कोई डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है क्योंकि जांच पड़ताल के लिए जो हमारे माननीय कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर हैं, या जो शिक्षा दीक्षा अधिकारी हैं, वो कभी निकलते ही नहीं रूम से, कभी देखते ही नहीं है कि हमारे इस जिले में शिक्षा विभाग को लेकर के क्या चल रहा है, क्या साफ सफाई है, क्या पढ़ाई लिखाई है, कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ पता ही नहीं है, कुछ ठिकाना ही नहीं है। अभी 10:30 हुए हैं, एक महोदय अभी तक आए हैं, वो देख पा रहे होंगे स्कूटी से अभी आ रहे हैं टीचर, मतलब एक टीचर अभी कदम रखे हैं इस बिल्डिंग के अंदर, इस कैंपस के अंदर सिर्फ एक टीचर। बाकी की बात अभी बहुत सारे टीचर होंगे, कितने टीचर होंगे वो भी हम जानेंगे यहाँ पर कि कितने टीचर हैं। और जो यहाँ पर पूरे ये बच्चे हैं ये बता रहे हैं कि 10:30 बजे से 3:30 तक विद्यालय लगती है, आधे घंटे का लंच होता है। इस पूरे लंच और इस सारी चीज़ों के दौरान तो सोचिए कि 10 से 4 जहां विद्यालय लगती है वहां 11 बजे 10:30 बजे टीचर आ रहे हैं। अभी कितने टीचर होंगे सारी चीज़ें हम जानकारी लेंगे और देखेंगे। पहले तो सर से थोड़ी सी बात करेंगे। सर, यहां का हेड कौन है? सर, हेडमास्टर? हेडमास्टर पांडे जी हैं। कहां के हैं सर वो? सीधी के ही हैं। अच्छा, ये कितने बजे सर विद्यालय शुरू होती है? 10:30 हो गए सर। करेक्ट सर, मेरे घड़ी में तो 10:30 बजे हैं सर। हाँ, आपकी घड़ी में सर 10:30? 10:30 सर। हाँ। अभी आप आए और दो टीचर लगभग मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10:30 बजे सर क्या होता है, मतलब क्लास शुरू हो जाती है 10:30 बजे सर टीचर एंट्री मारते हैं? क्लास 10:45 से है। 10:45 से क्लास है सर। 15 मिनट में सर क्लास लग जाएगी आज? 15 मिनट में हाँ क्लास लग जाती है, 10 मिनट में प्रार्थना होती है, क्लास लग जाती है। तो सर जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो सर क्लास लगने का कोई मतलब? सर सब टीचर अभी आ जाएंगे। चलिए हम इंतज़ार ही कर रहे हैं आज 15 मिनट अभी। 45 की बात कर रहे हैं आप। हाँ। सर नाम आपका? अनिल कुमार श्रीवास। पोस्ट सर आपका? सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक सर। सर कब से हैं यहाँ आप?
हम तो बहुत दिन से हैं, 96। सब्जेक्ट सर क्या पढ़ाते हैं आप? हम तो प्राइमरी में हैं, तो क्लास पढ़ाते हैं, चौथी क्लास पढ़ाते हैं। अच्छा, प्राइमरी स्तर पे हैं सर आप, मतलब चौथी के बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, चौथी। सर कितने बजे तक सर क्लास है यहाँ? 4 बजे तक, शाम को 4 बजे तक। फिर इसके बाद खेल कूद लड़कों का। वैसे सर लंच कितने मिनट या घंटे का होता है? आधा घंटे का लंच होता है। आधे घंटे का, 30 मिनट का लंच होता है? 45 मिनट मान लीजिए, खाना खाते हैं 15 मिनट। अच्छा सर, और बाकी सब जो हमारे यहाँ शासन से टाइम टेबल है उसी के अनुसार क्लास लगती है जी, अपने से कोई नहीं है सर। शासन स्तर से, जो शासन स्तर से है वही सब लगती है। ये माध्यमिक विद्यालय है सर? ये 1 से 8 तक है। अच्छा, तो ये 8वीं तक के विद्यालय में सर इनका खान पान सर कैसे कहाँ होता है? 2 समूह हैं, एक प्राइमरी का है जी, एक माध्यमिक का है, एक पीएस है, एक एमएस है। एक एमएस है, तो एमएस वाले उधर खाना बनाते हैं जी, पीएस वाले यहाँ खाना बनाते हैं। खाना वाना इनका सर बढ़िया रहता है बच्चों का? ये आप आके देख लीजिए। देखिए, एक तो मेरी जवाबदारी, हम खाना वालों को ना उधर कुछ कह सकते हैं ना इधर कुछ कह सकते। सर ये विद्यालय के बच्चे आपके हैं सर या दूसरे के? हमारे विद्यालय के बच्चे हैं। अब जैसे यदि समूह वालों को दबाव देते हैं तो ये कहते हैं, दबाव की तो बात ही नहीं है सर। नहीं, वो कहते हैं कि हमको 8 महीने 6 महीने से कुछ मिला ही नहीं, पैसे ही नहीं शासन की तरफ से आया। तो जो खिला रहे हैं सर कैसे खिला रहे हैं? अब बेचारे अपना खिला रहे हैं तो जैसे खिला रहे हैं तो वही बताएंगे। फिर आप क्या कहेंगे, मतलब इसको बंद कर दें कि भाई नहीं मिल रहा है तो क्या, क्यों खिला रहे हैं सर? ये हम कैसे कह देंगे आप? नहीं, हम शासन की बात, शासन की बात नहीं सर, एक मिनट, हम शासन की किसी योजना को नहीं कहेंगे कि बंद। नहीं, मैं शासन की बात ही, शासन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आप एक टीचर हैं, आपके ही बच्चे हैं, अगर इनको खान पान सही तरीके से नहीं मिलेगा तो विकास इनका नहीं होगा। इनको एक लंच का मतलब ही होता है कि इनके पेट में जब कुछ होगा तभी ये कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे। चावल दाल सब्जी खाते हैं। अच्छा, चावल दाल सब्जी खाते हैं, पर अब जैसे मीनू में है, आप मीनू में देखिए तो राजमा है जी, जो मीनू है तो बहुत स्टैंडर्ड है जी, तो उस स्टैंडर्ड को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन चावल दाल सब्जी पाते हैं बस। चलिए, अब तो आई हैं तो सब कुछ देखेंगे। सर वैसे टीचर कितने हैं सर यहाँ? अब यहाँ प्राइमरी में 5 जन हैं जी, माध्यमिक में कई जन है उपाध्याय? 6, 5, 11 टीचर है सर यहाँ पे। सर बगल में भी सर है ना वहाँ पे? हाँ, विद्यालय हाई स्कूल है वो। हाई स्कूल सर, वहाँ कितने टीचर होंगे लगभग? अब वहाँ तो अब हम हमारे यहाँ से साल 2 साल से चली गई है, तो हम काउंट नहीं किए, इस समय गए भी नहीं कि कहाँ है कितने लोग हैं, भाई वहीं के प्रिंसिपल जो होंगे तो बताएंगे। मेन मार्केट सर कितना डिस्टेंस है सर यहाँ का? ये 2 किलोमीटर, ये हेडमास्टर साहब हैं हमारे जी, और यहाँ मतलब क्लास के समय पर लगभग सब आ जाते हैं। वो यार 2-4 मिनट कभी किसी का इधर उधर होता है जी, लेकिन क्लास में आ जाएंगे और कंटिन्यू क्लास, आप डेट वाइज देख लीजिए, सबक होमवर्क लड़कों की कॉपी मिलेगा आपको। बिल्कुल, हम डेट वाइज हम लोग होमवर्क इनको देते हैं। थोड़ा सा बात ये है यहाँ जी कि जैसे कॉपी है तो गार्जियन ना कॉपी दे पाते इनको जी जी, कुछ ऐसा कल्चर है इनका, वो भी हम लोग कुछ मेंटेन करते हैं कि कापियां भी मेंटेन कर ले। बिल्कुल जायज कह रहे हैं सर, ये तो अभिभावकों की गलती से छाए में आ जाए। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं झेलते हैं हम लोग यहाँ जी। अब आप देख लीजिए, कोई ना जट है ना बजट है, और स्कूलों की स्थिति ये है, मतलब बिल्डिंग भी जर्जर है सर। जर्जर है, तमाम फूटी हुई हैं, BRC को सूचना दे दिया कि फोटो खींच के ले गए, कहे करवाएंगे, आप जाके देखिए अंदर की। सही कह रहे हैं, हमें बिल्डिंग के ऊपर घास दिख रही है कि घास वगैरह सब लगे हुए जम रही है। बिल्कुल हो रही सर जी, बिल्कुल 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 सर। 10:35 हुए हैं, 5 मिनट में 4 टीचर आ चुके हैं यहाँ पर, हेडमास्टर महोदय आ चुके हैं, 3 टीचर आ चुके हैं, सहायक शिक्षक का भी जो है उनसे हमारी बात ही हुई। विद्यालय एक साइड है और 5 मिनट में, हालांकि आप लोगों को पता है कि अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन जैसे ही हेडमास्टर आया इधर प्रेयर शुरू हो गई, और मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जो विद्यालय है और विद्यालय के जो इस टाइम पर बच्चे जो हैं पूरा प्रेयर कर रहे हैं लाइन से, और हेडमास्टर जो हैं पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ 4 टीचर आए हैं, 11 टीचरों में 4 टीचर आए हैं। देखना ये होगा कि 10:45 की बात हो रही, हमारे पास करेक्ट 10 मिनट का वक्त है। अब 10 मिनट में यहाँ पर टीचर क्या पूरे आ जाते हैं या नहीं आते हैं, या फिर रजिस्टर में सिग्नेचर ही होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। लगातार बने रहिएगा तरंग न्यूज़ के साथ, कहीं जाइएगा नहीं। और प्रेयर आप देख पा रहे हैं कि अभी प्रेयर हो रही है,
और हम टाइम भी अपडेट करवाते रहेंगे आपको, और स्कूल की सारी चीज़ें भी अपडेट आप लोगों को करवाते रहेंगे। हालांकि आप लोगों को दिखाएंगे हम, आइए पहले कुछ व्यवस्था दिखाते हैं इस विद्यालय की, व्यवस्थाएँ क्या हैं। और इस टाइम पर बच्चे अंदर नहीं हैं, ना ही क्लास लगी हुई है, मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई यहाँ पर है ही नहीं। और इधर जो है तो ये कार्यालय है जो आप देख पा रहे होंगे, हम ज़्यादा अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, क्या पता क्योंकि पत्रकारों के ऊपर सीधे कह देंगे कोई फाइल फाड़ दिया, कुछ भी कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कोई फिलहाल अभी है नहीं। दूसरी तरफ ये विद्यालय है, यहाँ पर अभी टाट नहीं लगी है, बच्चे आएंगे तो वो टाट लगाएंगे, लेकिन साफ़ सफाई यहाँ पर कर दी गई। और कार्यालय जो है इधर भी है, ये कार्यालय जो दिखाई दे रही है आप देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है ये कार्यालय, तो ये कार्यालय है, यहाँ पर हेडमास्टर महोदय बैठते हैं और इस कार्यालय में कितने सारे सारी चीज़ें हैं, टीचर हैं, सभी चीज़ें हम पता करेंगे। ये जो है बच्चों का क्लास है, आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चों के लिए, अभी मैं आया था फिलहाल तो ये बहुत गंदा पड़ा हुआ था, यहाँ पे कचरा बहुत सारी चीज़ें थे देखने को मिली। अब इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए यही कहेंगे कि असर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक बार कलेक्टर महोदय अगर देखें कि हमारे विद्यालयों की क्या हालत है, जैसे कि घास जाम रही है, बिल्डिंग अगर जर्जर है, अगर गिर जाए तो कुछ भी हो सकता है, तो अंदाज़ा लगाइए कि बिल्डिंग अगर गिरी तो कितने बच्चों की जो है तो जान जा सकती है। बहुत कुछ आवश्यकता है और राष्ट्रगान शुरू है। राष्ट्रगान समाप्त हुआ, जयकारा लग रहा है बच्चों का, और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हम भी कर रहे थे, सभी को करना चाहिए। अब बच्चे वहाँ से लाइन तोड़ेंगे और यहाँ बनाएंगे अपने क्लास में, और क्लास में आने के बाद सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में शुरू होगी। हालांकि आप लोगों को बता दें कि जो टाइम था 10:45 उसके पहले प्रेयर हो चुका है, और टीचर भी कुछ चार टीचर आ चुके हैं, अभी लगभग इनमें से 7 टीचर अभी नहीं आए हैं। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें देखेंगे, अपडेट करवाएंगे आपको, लगातार बने रहिएगा।